ये है फोटोशॉप सीरीज का नेक्स्ट वीडियो। हमने लास्ट वीडियो में सीखा है पेन टूल का यूज कैसे करते हैं, और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं टेक्स्ट टूल के बारे में। तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है विशाल और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, लेट्स डू इट। तो गाइस, सबसे पहले हम फोटोशॉप ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो टूल है इसे हम टेक्स्ट टूल कहते हैं। तो सिंपल, हम इसे अगर राइट क्लिक करते हैं तो गाइस यहाँ पर आपको हॉरिजेंटल और वर्टिकल टाइप टूल यहाँ पर दिखाई देंगे। जैसे ही हम हॉरिजेंटल टाइप टूल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर कुछ लिखेंगे तो हमारा जो टेक्स्ट है ये हॉरिजेंटल में टाइप होता हुआ दिखेगा। ओके गाइस, तो और उसी तरह अगर हम इस टूल में क्लिक करके वर्टिकल टाइप टूल में अगर लिखेंगे तो गाइस ये जो हमारा टूल है आपको यह वर्टिकली टाइप होता हुआ दिखेगा। ओके, तो अपने हिसाब से आपको जैसा जैसी टेक्स्ट चाहिए उस टाइप को सिलेक्ट करके आप सिंपली टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं। ओके गाइस, तो गाइस हमें टेक्स्ट टूल अच्छी तरह से सीखने के लिए हमें हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट पे काम करने वाले हैं। ओके गाइस, तो गाइस आपको एक बात याद रखनी होगी, जब भी हम किसी टेक्स्ट को इफेक्ट अप्लाई करते हैं तो उस टेक्स्ट को सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना होगा। तो सिंपल, हम यहाँ पर इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको वेरियस टाइप्स के फॉन्ट स्टाइल्स दिखाई देंगे। तो अपने हिसाब से आपको जिस जो भी फॉन्ट स्टाइल चाहिए उस फॉन्ट स्टाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं। ये होने के बाद तो गाइज यहाँ पर इसकी जो साइज है, यहाँ पर आप साइज भी इसकी कम या ज्यादा इसे सेलेक्ट करके ही कर सकते हैं। ओके, ये होने के बाद मान लो गाइज अगर आपको इस टेक्स्ट को अलाइनमेंट करनी है तो सिंपली आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, यहाँ पर इस करके यहाँ पर राइट लेफ्ट और सेंटर अलाइनमेंट भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ये होने के बाद तो अगर मान लो गाइज ये जो हमारा टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को अगर अलग सा कलर आपको अप्लाई करना है तो सबसे पहले हमें इसे सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद आपको देख सकते हैं गाइज ये जो कलर बॉक्स है, इस कलर बॉक्स में आपको जो चाहिए उस कलर को आपको चूज करके सिंपल सा यहाँ पर आप इसे भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके गाइज, ये होने के बाद तो गाइज ये जो हमारा टेक्स्ट है यह बहुत ही सिंपल दिख रहा है। ओके, तो हम इस टेक्स्ट को यहाँ पर अलग अलग इफेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं और उसे वेरियस टाइप्स के स्टाइल्स भी अप्लाई कर सकते हैं। यह करने के लिए आपको यहाँ पर इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर यह जो सिंबल है इस पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद पर की जो स्टाइल वाला ऑप्शन है यहाँ फिलहाल के लिए यहाँ पर नन है, तो हमने इस टेक्स्ट को कौन सी भी स्टाइल अप्लाई की नहीं है। तो हम इस पे क्लिक करते हैं तो आपको वेरियस टाइप्स के यहाँ पर स्टाइल्स दिखाई देंगे। ओके गाइस, तो आपको जो चाहिए उस स्टाइल्स को आपको यहाँ पर क्लिक करके ये जो हमारा टेक्स्ट है इसे हम यहाँ पर मैन्युअली भी क्रिएट कर सकते हैं, कुछ इस तरह। ओके गाइस, तो गाइस आपको पता ही चला होगा कि टेक्स्ट की साइज कैसे बढ़ाते हैं, टेक्स्ट का फॉन्ट कैसे चेंज करते हैं या टेक्स्ट को कलर कैसे अप्लाई करते हैं। ओके गाइस, ये होने के बाद तो गाइस मान लो अगर कहीं से भी आपने एस्केप का बटन दबाया होगा और यहाँ पर फिर से अगर इसी टेक्स्ट पर जाना है तो सिंपल है, यहाँ पर आप इस टेक्स्ट टूल को सेलेक्ट करके इसके बीच में क्लिक करते ही ये जो हमारा टेक्स्ट है ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। ओके, तो गाइज इस टेक्स्ट टूल को आप थोड़ा एडवांस में सीखते हैं। ओके, ये होने के बाद तो गाइज ये जो हमारा लेयर वाला बॉक्स है उसी टेक्स्ट लेयर के लेयर पे आपको राइट क्लिक करके यहाँ पर जो ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन है इसे ओपन करना होगा। ओके गाइज, ये ओपन होने के बाद यहाँ पर इस ब्लेंडिंग ऑप्शन को यूज करके हम थोड़ा एडवांस में इसकी जो टेक्स्ट का स्टाइल है इसे हम अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वेरियस टाइप्स के स्टाइल्स यहाँ पर ऑलरेडी फोटोशॉप ने दे रखे, तो आपको इसे सिर्फ यूज करना होगा। ओके, तो मान लो गाइज ये जो हमारा टेक्स्ट है इसे अगर हमें स्ट्रोक अप्लाई करना है तो सिंपल आप यहाँ पर स्ट्रोक पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर स्ट्रोक पर क्लिक करते हैं यह स्ट्रोक अप्लाई होता हुआ दिखेगा। ओके गाइस, मान लो गाइस अगर इसे टेक्सचर चाहिए तो हम सिंपल यहाँ पर टेक्सचर पे क्लिक करके आपको जो चाहिए उस टेक्सचर को यहाँ पर आप यहाँ पर इस टेक्स्ट के ऊपर लगा सकते हैं। ओके गाइस, ये होने के बाद तो मान लो गाइस आपको यहाँ पर इस टेक्स्ट को पैटर्न चाहिए तो हम सिंपल यहाँ पर पैटर्न ओवरले पे क्लिक करके इस टेक्स्ट को हम पैटर्न भी अप्लाई कर सकते हैं, कुछ इस तरह। ओके गाइस, तो बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पर ड्रॉप शैडो है, यहाँ क्लिक करते ही आपको यहाँ पर इस टेक्स्ट की शैडो दिखाई देंगे। तो ऐसे ही बहुत सारे ऑप्शन है गाइस, जैसे कि आउटर ग्लो यहाँ पर देख सकते हैं, इनर ग्लो है, यहाँ पर ग्रेडियंट ओवरले है, सिंपल हम इसे ग्रेडियंट कलर भी यहाँ पर इसे जैसा चाहिए वैसा अप्लाई कर सकते हैं, कुछ इस तरह। ओके, तो गाइस आपको पता ही चला होगा कि यह हमारा जो टेक्स्ट टूल है कितना अच्छे तरह से हम इसे यूज कर सकते हैं। ओके, मान लो गाइस अगर हम सिंपल यूज कर रहे हैं तो यह ब्लेंडिंग ऑप्शन ओपन करने की जरूरत नहीं है,
अगर आपको ब्लेंडिंग ऑप्शन यूज करके हमारे टेक्स्ट को अट्रैक्टिव बनाना है तो आप सिंपली इस लेयर पे राइट क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शन का यूज करके वहां पर वेरियस टाइप्स के स्टाइल्स है उसे अप्लाई करके हमारा जो टेक्स्ट है उसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ओके, आई होप गाइज यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर और क्या कर रहे हो यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।